So the name of the question is City in Flood. Atlantis is a town that started with N distinct empire. So empire hamare paas N. So when each takeover occurred, the family of Empire 1 invade Empire J. And after the invasion, Empire I J dissolves in Empire I. So ye batana ki N empire hamare paas and K queries और हर क्वेरी में ये बता रखा है कि एम्पायर कौन सा डिसॉल्व हो रखा है किसमें, तो मैं एंड में ये बता रही है कि कितने एम्पायर बचे हुए हमारे पास। सो क्वेश्चन ये है, मतलब हम एक सिंपल ले लेंगे पेरेंट एरे, स्टार्टिंग में हर का पेरेंट वही होगा और अगर स्टार्टिंग में हमारे पास वन और टू वेरिएबल तो टू डिजर्व होके वन में चला जाएगा, तो हम टू का जो पेरेंट है उसको जीरो करते हैं। जैसे थ्री फोर थ्री में चला गया तो फोर का पेरेंट जीरो हो जाएगा और आखिर में हम काउंट कर लेंगे किसका पेरेंट जीरो नहीं है और फिर हम आंसर फाइंड करते हैं और चेक करते हैं। तो पहले ये इनिशियलाइज है कि हर पेरेंट का आई उसी को पेरेंट बना देगा और फाइंड फाइंड पेरेंट पेरेंट फाइंड करने के लिए सिंपल एल्गोरिथम है यूजर फाइंड। सो पहले इनिशियलाइज किया, फिर हर क्वेरीज के बाद पेरेंट ऑफ आई जे था तो जे के पेरेंट को जीरो करते, फिर आखिर में काउंट कर लेंगे किसका पेरेंट जीरो नहीं है